एक खास कॉन्वर्सेशन विनीत सांबरे हेड इक्विटीज डीएसपी म्यूचुअल फंड के साथ भी हमारे सीनियर एडिटर अजय शर्मा ने की, आइए सुनते हैं। से उनका बिजनेस बहुत ज्यादा लिंक नहीं होता है तो वो रिलेटिवली कम ग्रोथ एनवायरनमेंट में भी एक्चुअली फ्लरिश कर जाती हैं। इस इसके व्यू के ऊपर आप क्या कहेंगे? सी जनरली आई थिंक एक ऐसा, यदि हम इसको मैथमेटिकली वी ट्राई टू सॉल्व, जो मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज हैं उनकी जो टर्नओवर है वो लार्ज कैप के मुकाबले कम होती है इन टर्म्स ऑफ द एब्सोल्यूट नंबर, और उस नंबर पे हाई ग्रोथ करना इन अ लेट्स से नॉर्मलाइज्ड एनवायरनमेंट उनके लिए उनकी पॉसिबल होता है। तो इसके चलते ऐसा एक एजम्पशन है कि जो मिड और स्मॉल कैप कंपनीज हैं यदि उनके साइकिल पॉजिटिव हो तो अपने पॉजिटिव साइकिल में वो लार्ज कैप को आउटग्रो कर सकती है क्योंकि उनकी साइज स्मॉल है। सो परसेंट ग्रोथ उनमें ज्यादा आने की क्षमता बनी रहती है। बट कई साल हमने ये देखा कि तकरीबन मिड कैप्स और लार्ज कैप्स ने एक तरीके की ग्रोथ दी है, बट उनमें वो कुछ कुछ साल ऐसे आएंगे जब ये आउटग्रो हो जाएंगे और उस वक्त वो आउट परफॉर्म कर सकते हैं। बट आई थिंक ये ओवर द लॉन्ग पीरियड आई वुड इमेजिन दैट, ये जो आपने बात कही उसको मैं मानता हूँ कि जो इनमें क्षमता है हाई ग्रोथ रखने की डिस्पाइट एनवायरनमेंट, आई मीन नॉट डिस्पाइट एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट यदि नॉर्मल रहे तो ये कंपनीज अपने ठीक ठाक आउटग्रो करने की क्षमता रखती है, इसलिए आई थिंक इनमें पोटेंशियल ज्यादा होती है। और हम पिछले 10 साल का डेटा भी देखें तो हम देखेंगे स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी हैज आउट परफॉर्म्ड लार्ज कैप्स एज अ कैटेगरी। सो आई थिंक टाइम होराइजन सबको अपना थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा क्योंकि एक दो साल बीच में ऊपर नीचे हो सकता है। जी बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि कम से कम 3 से 5 साल का व्यू लेकर ही काम करें। लेकिन विनीत, इस समय करंट मिड कैप स्मॉल कैप यूनिवर्स के वैल्यूएशन का क्या हाल है? हमने देखा 2018-19 में एक मेल्टअप आया था, बहुत क्षति पहुंची मिड कैप स्मॉल कैप को, लेकिन उससे पहले बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएशन भी हुआ था उसमें। मैंने देखा है कई बार आपके फंड हाउस में प्रैक्टिस है कि जब आपको फ्रॉथी लगने लगते हैं मिड कैप स्मॉल कैप तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट्स बंद कर देते हैं अपने स्कीमों में और धीरे धीरे फिर आप SIP में ही लेते हैं। एक समय आता है जब SIP आप लेके वापस से लमसम शुरू कर देते हैं, वो भी एक मेरे लिए तो बाजार का इंडिकेटर हो गया है, स्मॉल कैप मिड कैप का इंडिकेटर हो गया है आपकी वो एक्टिविटी। तो जरा यूनिवर्स के बारे में बताएं, वैल्यूएशन कैसे लग रहे हैं एग्रीगेट पे भी, और अभी आपने अपने स्मॉल कैप मिड कैप में क्या लमसम खुल रखा है या सिर्फ SIP, या क्या व्यू है? तो आपने सही कहा, हमने स्मॉल कैप में इनफ्लो जब वैल्यूएशंस बहुत हाई हो चुके थे और हमको लग रहा था कि बहुत फ्रॉथी हो गया, ये लेवल्स पे इन्वेस्टर का पैसा निवेश नहीं करना चाहिए, तब हमने उसमें इनफ्लो बंद कर दिए थे। और यदि आप एक्चुअली इसको देखें हिस्ट्री में, हमने जब ये कोविड का लो हिट किया था मार्च 2020 में एंड में, तब हमने इसको फिर से ओपन कर दिया था। हमें ये नहीं पता था कि कब जाके मार्केट चलेगी, बट ये पता ये जरूर कॉन्फिडेंस था कि वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हो चुके हैं और उस वक्त हमने खोल दिया था। और अभी भी जो फंड है वो ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट है, उसको हमने अभी तक शट नहीं किया है क्योंकि अभी भी ये मानना है जो आपने स्टार्टिंग में बात कही कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत लग रही हैं अक्रॉस लॉट ऑफ सेगमेंट्स। कंपनीज अभी भी पूरी तरह से उन्होंने उस ग्रोथ को टैप किया नहीं है। अभी भी यदि हम देखें तो इकोनॉमी में क्या हुआ है, जो पेंटअप डिमांड के बाद जो ग्रोथ आई है, जैसे अभी अर्बन सेंटर्स और हाई प्रीमियम एंड में ग्रोथ आई है, मिड टू रूरल टू लो अभी भी ग्रोथ आई नहीं है। तो हमें लगता है वहां पे भी जैसे जैसे ये इन्वेस्टमेंट्स के बेनिफिट आएंगे, रूरल इकोनॉमी इंप्रूव होगी तो वहां पे भी, और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा तो वो भी एक पार्ट है जो ऐड करेगा। तो आई थिंक ग्रोथ आउटलुक ओवर द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स मेरे हिसाब से अच्छा बना रहना चाहिए, और उसके चलते ऐसा मानना है कि कंपनीज अभी तक कंपनीज पूरी तरह से वो बेनिफिट एनकैश अभी तक किया नहीं और वो अगले 3-4 सालों में बेनिफिट एनकैश करेंगे। इस हेंस ऐसा मानना है कि अभी वैल्यूएशंस
एटलीस्ट स्मॉल कैप में अभी भी ठीक ठाक है। मिड कैप थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो चुका है, कुछ कुछ सेगमेंट्स मिड कैप में एक्सपेंसिव हो चुके हैं, बट कुछ सेगमेंट्स हम देखें जैसे फार्मास्यूटिकल हुआ, एग्री रिलेटेड कंपनीज हुए, आईटी हुआ, बैंकिंग हुआ, ये सब सेगमेंट्स अभी भी ठीक हैं। जो एक्सपेंसिव हो चुका है वो इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग, थोड़ा उसमें एक्स्ट्रॉर्डनरी लोगों का ऑप्टिमिज्म बिल्ट हो चुका है, तो उसमें थोड़ा सा एक बार कॉशियस रह के या नीचे लेवल्स पे देखना चाहिए। और दूसरा कैटेगरी जैसे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हम बात करें तो वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो चुका है वैल्यूएशन, बिकॉज ग्रोथ जो है ग्रोथ डायनेमिक्स अभी इम्पैक्ट हो रही है। तो आई थिंक ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि ये मिड एंड स्मॉल कैप एज कंपेयर टू बिटवीन बोथ ऑफ देम, आई थिंक स्मॉल कैप्स लुक रिलेटिवली बेटर प्राइस्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस, वहां पे अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा दिख रही है। मिड कैप में थोड़ा मिक्स्ड है, कुछ सेगमेंट्स ठीक है और कुछ सेगमेंट्स एक्सपेंसिव है, सो आई थिंक दैट विल बी माय ओवरऑल व्यू ऑन वैल्यूएशंस। चलिए एक एक करके कुछ सेक्टर्स को समझ लेते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप बैंक्स में बहुत बड़ा मूव आया है लास्ट कुछ महीनों में, और शायद कुछ जगह जस्टिफाइड ना भी हो, कुछ जगह तो नंबर्स भी बहुत अच्छे हुए हैं, आपने नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन ये पूरे एक हमने ट्रेंड देखा कि पूरे देश में अलग अलग स्टेट के नाम पे जो बैंक्स हैं, जे एंड के बैंक, साउथ इंडिया बैंक, कर्नाटका बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, खास बात यह कि अलग अलग स्टेट्स के नाम हो, लेकिन इनमें से कईयों में एक्चुअली बदलाव दिखा क्वार्टरली अर्निंग्स में। स्मॉल एंड मिड कैप बैंक्स की बात करें, बोथ PSU एंड प्राइवेट, ये पॉकेट आपको कैसी लगती है? आपने कुछ इसमें नॉन ट्रेडिशनल नामों को भी क्या अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा है कुछ बदलाव के कारण, या आपको लगता है यहाँ पे सेफ नहीं है? नहीं, आई थिंक अभी काफी वक्त एक्चुअली के बाद हम ये देख रहे हैं कि जो स्मॉल एंड मिड कैप बैंक्स हैं उनमें आउटलुक काफी इम्प्रूव होते हुए नजर आ रहा है, और ये आई थिंक तो पूरा सेक्टर जो है वो लिफ्ट हो चुका है, पूरा सेक्टर इसलिए इस कारण लिफ्ट हुआ है कि एक तो इनके बैलेंस शीट्स क्लीन हुए, जो मैं बात कह रहा था पिछले 5 सालों में जो मेहनत हुई है उसमें काफी हद तक बैलेंस शीट क्लीनअप जो हुई है दैट इज हेल्पिंग दीज कंपनीज। दूसरी बात यह है कि जो क्रेडिट साइकिल थी वो हमने देखा कि वो नीचे जा रही थी और अब जो है लोस से वो रिकवर हो रही है एज मेजर सेगमेंट्स ऑफ द इकोनॉमीज आर ग्रोइंग, डिमांड लोन की बढ़ रही है, तो वो ग्रोथ रेट्स इंप्रूव हो रहे हैं। हो सकता है ये जो ट्रेंड है ये एक आध 2 साल बना रहे, उसके बियॉन्ड भी अगर यू नो इम्प्रूवमेंट इन गवर्नमेंट केपेक्स, प्राइवेट केपेक्स चला, कंजम्पशन चला, तो ये बैंकिंग सेक्टर इज अ प्रॉक्सी ऑन इकोनॉमी, तो वो तो चलेगा, बट आई थिंक 1-2 साल तो बहुत काफी ठीक ठाक लग रहे हैं। और मोर इम्पोर्टेंटली इनके जो बैलेंस शीट के रिस्क हैं वो भी कम हो चुके हैं, क्रेडिट क्वालिटी इम्प्रूव हो चुकी है, तो इसके कारण कई सारे जो बैंक्स स्मॉल और मिड कैप स्पेस में थे जो बोलते थे कि हमको हमारे ROAs इंप्रूव करने हैं, 1 के ऊपर जाना है, और जो जा नहीं पा रहे थे वो अब हम देख रहे हैं कि उनका ट्रेंड 1% ROA के ऊपर आ रहा है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आई थिंक बैंकिंग सेक्टर में इवन विद इन द मिड एंड स्मॉल कैप ये ट्रेडिशनल वैल्यूएशन रेंज जो है इनको या तो ये वहां तक आए या उसको क्रॉस करें, ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, एंड हेंस बिटवीन विद इन द स्मॉल एंड मिड कैप वी हैव हमारे पास फंड में एक्सपोजर ऑलरेडी बना हुआ है। हमने कुछ कुछ जगह पे थोड़ा बहुत एडिशन किया था हमारे जो बैंक्स जो हमें पसंद है, बट हमारा बैंक दूसरी बात ये है कि हम लोग जो बैंक्स देखते हैं उसका हमारा थोड़ा नजरिया अलग होता है। हम ये देखते हैं कि जिनका लॉन्ग टर्म क्रेडिट क्वालिटी अच्छी रही है उन बैंक्स में हम जनरली प्रिफर करते हैं हमारा ज्यादा एक्सपोजर हो, और सिर्फ साइकिल को प्ले करने के लिए जो 1-2 क्वार्टर से ही ठीक करें उनको हम अवॉइड करते हैं, उनका लॉन्ग टर्म जब तक ट्रैक अगर क्रेडिट क्वालिटी का सही नजर नहीं आता है तब तक हम उसको अवॉइड करते हैं। सो आई थिंक बिकॉज बैंकिंग सेक्टर वेयर रिस्क इज ऑल्सो वेरी हाई, लेवरेज बिजनेस, वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। बिल्कुल विनीत, दूसरी एक स्पेस है जो आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और अब उसमें कई एक बार तो बहुत बड़ा केमिकल्स और स्पेशलिटी एग्रो वगैरह में पैसा बना, बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएशन का टाइम था, फिर 2-3 साल के लिए वो साइडवेज हो गए क्योंकि सप्लाई चेन इश्यूज वगैरह वगैरह। अब वापस लग रहा है कि ग्रोथ भी आ रही है चाइना प्लस वन, यूरोप प्लस वन में, और शायद उनकी बैलेंस शीट्स और मार्जिन प्रोफाइल यहाँ से इम्प्रूव है। क्या रिविजिट करेंगे आप, क्योंकि वहाँ भी स्मॉल और मिड में बहुत नाम अवेलेबल है?
देखिए, आई थिंक ये सेक्टर जो है, ये सबसे पहले एक बात मैं कहूँगा कि अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं। मतलब यदि मैं कंपनीज की बैलेंस शीट देखता हूँ तो उनके, यदि मैं केपेक्स देखूँ तो FY21 और FY22 के जो उन्होंने कैपिटल स्पेंड्स करे हैं वो काफ़ी हाई हैं, और ये इनके हिस्ट्री के कंपैरिजन में भी हम देखें तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्पेंड किया हुआ है, और इनके आगे के प्लान्स भी हैं कि काफ़ी स्पेंड करेंगे। तो ये तो क्लियर है कि इनको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत दिख रही हैं। ओके, ठीक है। तो आप विनीत सांबरे को सुन रहे थे, जो कि बैंकिंग और मार्केट के अलग अलग चीज़ों पे अपनी राय रख रहे थे अजय के साथ चर्चा में। अब हम आपको